वेलकम बैक टू माई चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में खुशहाल होंगे। यहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। मेरा थोड़ा सा मेरा जो फ़ोन है ना, उसका कैमरा का थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है। उसका ऐसा ही आता है, जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ इसी तरीके से आता है। उसका कैमरा अभी ठीक कराना है मुझे, अब नहीं जा पाते हैं क्योंकि बहुत बिजी है। अभी सब कुछ बहुत बिजी चल रहा है, तो वही मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ कि टाइम रहने के पहले तो इतना सारा काम है कि काम करते करते ही थकान हो जाती है। बच्चे लोग तो चले जाते हैं पर घर का बहुत सारा काम होता है जो मुझे अकेले ही करना पड़ता है। अभी बच्चे लोग को सुबह बहुत जल्दी उठना होता है। सबसे मेन है कि जल्दी हमें 4 बजे, बहुत लेट अगर हुआ तो 4:30 बजे तक तो मुझे उठ ही जाना होगा, क्योंकि कृतिका 6:30 बजे वो निकलती है क्योंकि उसे ट्रेन पकड़ना होता है और एक घंटा डेढ़ घंटा का टाइम लेके ही उसे निकलना है। तो इस वजह से उसे जल्दी से जाना होता है और मुझे उठ के उसके लिए नाश्ता टिफ़िन रेडी करना होता है। उसके बाद हस्बैंड जी का 7 बजे का टाइम है, बेटी का 6:30 बजे का टाइम है, छोटी बेटी का 8 बजे का टाइम है, 8 से 8:15 बजे तक वो निकलती है। तो ऐसे में मेरा ही मुझे ही सब कर काम करना पड़ता है घर का। और अभी बच्चे लोग जब थोड़ा बहुत हेल्प करते थे पर अभी वो लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको वो लोग भी बहुत बिजी हैं। वो लोग थक जाते हैं, शाम को आते हैं। और टैलेंट अभी तो बड़ी बेटी का तो बहुत टाइम लगता है, वो तो ट्रेन से उसका 4:30 या 5 बजे छुट्टी होता है, तो फिर उसे ट्रेन पकड़ के आते आते उसे 7 बज जाते हैं और ढाई घंटे का रास्ता है 3 घंटे का। तो इस वजह से और जब वो और यूनिवर्सिटी बहुत दूर है तो इसी वजह से उसे इतने टाइम लग जाते हैं। और छोटी बेटी का मेरा उतना 1 घंटे का ही रास्ता है लेकिन उसका भी 4:30 बजे छुट्टी होता है, तो फिर उसे भी 6 बज जाते हैं आते आते। तो यही सब है। और बस 2 बस चेंज करने होते हैं, कभी बस टाइम से मिल जाती है, कभी थोड़ी लेट हो जाती है, इस वजह से बहुत टाइम लग जाता है। और यहाँ पे मैंने बहुत सारे कपड़े भी धोए थे, तो वही मैं थोड़ा थोड़ा जितना भी वीडियोस है मैं सोच रही हूँ कि शेयर करूँ। और कुछ वीडियो मेरे कभी इस फ़ोन से, कभी दो फ़ोन है तो दोनों फ़ोन से ही मैं शूट कर लेती हूँ। जब जो फ़ोन मेरे हाथ में आता है मैं सोचती हूँ वीडियो बना लूँ, तो फिर कुछ क्लिप इसमें रह जाते हैं उसमें, इसलिए वीडियो भी बनाने में एडिट करने में मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है। तुलसी जी के पास मैंने बहुत अच्छे से गोबर से लिपाई की थी और मुझे बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा लिपाई कर दो तो शुद्ध हो जाता है, फिर पूजा करते हैं। यहाँ पे मैं बहुत शॉर्टकट में बना रही हूँ चाउमीन, जो कि बहुत टेस्टी बनता है। उसको उबालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट बादाम भून के निकाल लिए हैं, प्याज दिए हैं। मैं कैसे बना रही हूँ आप देखिएगा, अगर ऐसे बनाएंगे ना तो बिल्कुल भी मतलब चिपचिपा नहीं बनता है। उसको उबालने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट ही इसे बनाऊँगी और ये बहुत अच्छा बनता है और आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये आज चिल्ड्रन डे था तो मैं यहाँ पे बच्चों लोगों के लिए बना रही थी, जो ट्यूशन के बच्चे आए हैं उन लोगों के लिए। और ये बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ था। इसका वीडियो लास्ट वाला जो क्लिप है, अगर मुझे मिलेगा तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी, जो कि कृति के फ़ोन में है और आज सृष्टि में घर पे है तो ये फ़ोन मेरे पास है, तो मैं यहाँ पे वीडियो एडिट कर रही हूँ। और ये बहुत टेस्टी बन के तैयार हुआ था। यहाँ पे प्याज भून लिए हैं, मिर्ची दे दिए हैं, टमाटर दे दिए हैं और देखिए अभी, और इतना अच्छा बनता है ना, मैंने ये सब मम्मी से सीखा है। मेरी मम्मी बहुत शॉर्टकट में बना देती है, तो मैं बोलती थी कि मम्मी ये मैगी नहीं है, चाउमीन इसे उबाला जाता है, पर नहीं, मम्मी ने बहुत अच्छा बनाया था तो मैं भी सीख ली हूँ। और यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट दे दिए हैं और ये बहुत टेस्टी बन के तैयार हुआ था। जो भी प्रोसेस है आप डालिए, पर डायरेक्ट इसको जिस तरीके से मैगी बनाते हैं उसी तरीके से, जब ये सब मसाले और प्याज भून जाएंगे तो बस इसमें पानी ऐड करना है और उसके बाद में साथ में चाउमीन डाल के और बस ढक देना है। थोड़ी देर में ही बहुत अच्छे से ये पक भी जाता है और ये बहुत चिपचिपा तो बिल्कुल भी नहीं होता है। मैंने बनाया है, आप लोग भी ट्राई करिएगा, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं होता है। उसको अलग से उबाल के बनाने में मुझे बहुत दिक्कत होता है, बहुत लगता है उसको उबालो, धो, छानो, लेकिन अगर ऐसे बनाते हैं तो एकदम झटपट से जैसे पुलाव बनाते हैं और फरफर हो जाता है, मतलब चिपचिपा नहीं होता है, उसी तरीके से ऐसे ही मैं चाउमीन बनाती हूँ और बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। और फ़ोन का क्या है ना कि घर में फ़ोन के बिना तो किसी का कुछ चलता ही नहीं है, तो बस बच्चे लोग का तो स्टडी ही सब कुछ मैसेज आते रहता है फ़ोन में, तो इस वजह से बच्चे लोगों को फ़ोन देना ही पड़ जाता है।
और मुझे लगता है मैं वीडियो तो बना लूँगी, पर बच्चों लोगों की पढ़ाई में कोई डिस्टर्बिंग नहीं होनी चाहिए फ़ोन की कमी की वजह से, इसलिए मैं फ़ोन बच्चों लोगों को दे दी हूँ और वीडियो बनाने में थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो जाता है। तो फिर यही है, और कुछ एक काम अटका हुआ है जिसकी वजह से मैं फ़ोन नहीं ले पा रही हूँ। जब वो सब क्लियर हो जाएगा तो मैं जल्दी ही फ़ोन ले लूँगी। तो देखिए यहाँ पे बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मैं यहाँ पे अभी चाउमीन मेरा पक रहा है और झटपट से बन जाएगा। सीटू यहाँ पे पढ़ा रही है क्योंकि कृति अभी कॉलेज है, तो दोनों बहन में से कोई भी पढ़ा देता है बच्चे लोगों को। तो फिर मैंने बच्चों लोगों को खाने को दे दिया था, वो क्लिप मुझे नहीं मिला। और यहाँ पे देखिए मेरे घर में अभी फिर से खेती बाड़ी शुरू हो गई है। थोड़े से हम लोगों ने पालक लगाया है, मेरी देरानी बहुत अच्छे से गार्डनिंग का उसे बहुत एरिया है, तो वो थोड़ा बहुत लगा देती है। बीज भी मैं उन्हीं से मार्केट से मंगवाई थी, तो फिर वो थोड़ा सा यहाँ पे लगा दे रही है। थोड़े से कच्चे मिट्टी का स्पेस है, तो मैं यहाँ पे हर साल कुछ ना कुछ लगा देती हूँ ताकि मेरा हरा भरा गार्डन रहे और कुछ ना कुछ सब्जियाँ मुझे मिलती रहती है। तो बस यही था आज में। और अभी बन रही है चाय, और चाय पीने के बाद हम लोग रात का खाना बनाएंगे। तो आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी, उम्मीद है पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।